नमस्ते दर्शकों, आज की खबर है उस एक्ट्रेस पर जो बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर है, यानी प्रीति जिंटा। मामला थोड़ा संगीन है और वक्त थोड़ा कम है, चलिए बताती हूँ माजरा क्या है। इन दिनों प्रीति सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्चुअली हाल ही में एक्ट्रेस के साथ दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे उन्हें झकझोर कर रख दिया है और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। एंड फाइनली प्रीति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सो फर्स्ट इंसिडेंस ये हुआ, एक अनजान महिला ने जबरदस्ती एक्ट्रेस की बेटी की फोटो ली। यहां तक कि प्रीति के मना करने के बावजूद भी महिला ने उनकी बेटी जिया को गोद में लिया और किस किया। इस पर प्रीति ने बोला है कि अगर वो सेलिब्रिटी नहीं होती तो शायद बुरी तरह रिएक्ट करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा वो शांत रही ताकि कोई सीन क्रिएट ना हो। दूसरा इंसिडेंस ये हुआ, एक हैंडीकैप शख्स एक्ट्रेस को साल भर से परेशान कर रहा था। प्रीति हर बार उसे पैसे देती रही हैं, बट इस बार जब उसने पैसे मांगे तो एक्ट्रेस ने कहा कि आज उनके पास कैश नहीं है। और बस इसी बात पर वो शख्स गुस्सा हो गया और एक्ट्रेस की कार का दरवाजा पीटने लगा। प्रीति का कहना है कि किसी भी घटना पर इतनी जल्दी जजमेंट नहीं देना चाहिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक्ट्रेस के इस पोस्ट के बाद कई सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में सामने आए, जैसे कि ऋतिक रोशन ने सामने आकर ये बातें रखने के लिए प्रीति की तारीफ की। वहीं मलाइका ने कहा कि प्रीति ने खुलकर इस बात को सबके सामने रखा, जो कि काबिले तारीफ है। अर्जुन रामपाल ने प्रीति से कहा कि अगली बार फिर से ऐसा कुछ हो तो वो उन्हें कॉल करे। नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज गाइस, इनफैक्ट प्रीति को आम जनता से भी सपोर्ट मिला है। वेल, प्रीति ने पैपराजी पर भी नाराजगी जताई है जो उनकी मदद करने के बजाय इस बात का वीडियो बना रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके बच्चे किसी पैकेज डील का हिस्सा नहीं है, ना वो किसी का शिकार बनने के लिए हैं, इसीलिए उनके बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए। गाइज, अभी के लिए तो इतना ही, मुझे दे इजाजत और अगली वीडियो का करें इंतजार, लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो ना यार।